यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या क्वेश्चन है समझिएगा, पेपर बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग है। जैसे क्वेश्चन बोला द सम ऑफ द सीरीज फॉर्म्ड बाय द सीक्वेंस लाइक 3√3, 1 and up to infinite, राइट। इनफाइनाइट जीपी का समेशन क्या होता है, बहुत क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, बट जब क्वेश्चन पेपर सिंपल होता है तो हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है, केयरफुल होना पड़ता है, माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं, उन सब पर बहुत ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थ्योरी पे बहुत स्ट्रांग कमांड होना जरूरी, तो a अपॉन 1 - r, राइट। तो 3√3/√3-1, 3√3/√3-1 अभी ऑप्शन नहीं होगा, पक्की बात है। तो 3√3/√3+1 रैशनलाइज कर दिया तो 3-1 कितना 2, तो a इज अ राइट आंसर, 3√3/√3+1/2। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखें अगर, तो देखिए 22 में क्या है, इफ z+z̅ = z-z̅, देन द लोकस ऑफ जेड। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो इसके आंसर्स में बहुत पैटर्न फिक्स होता है। अब देखिए z+z̅ का मतलब क्या, अगर जेड मैं बोलूँ आपसे x+i/y है, तो पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लें। तो मॉड जेड क्या होता है, √x²+y² एंड रिमेंबर जेड बार इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज x-i/y एंड रिमेंबर z+z̅ इज ऑलवेज 2x यानी रियल पार्ट, और z-z̅ इज ऑलवेज 2i/y। तो लॉजिकली ये आपको 2x दिया हुआ है और ये 2i/y दिया हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसका आप मॉड लें, तो आप इसमें लिखते 4x², इसमें लिखते 4y², राइट, इसमें लिखते 4y² यानी x² = y² या x² - y² = 0 या x - y, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, x + y = 0, राइट। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, आ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्लियर है बात, आ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 251, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत स्पीड में पेपर सॉल्व किया जा सकता है। द नंबर 251 इन डेसिमल सिस्टम इज एक्सप्रेस इन बाइनरी सिस्टम। देखिए क्या दिया है, 251 को अगर बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले अगर कभी भी एंडिंग में 1 हो तो हमेशा एंडिंग प्लेस ऑड नंबर होगा। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करा, 1, 1, 2, 5 एंड रिमाइंडर विल बी 1, फिर 2 से डिवाइड किया तो 6, 2 देन रिमाइंडर विल बी 1, फिर 2 से डिवाइड किया 31 रिमाइंडर 0। अब आप देखिए लास्ट में 110 किस में है, तो लास्ट में 110 अगर हम देखें, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, राइट, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे एंड में ये आने वाला है, तो बी इज अ राइट आंसर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप, यही टेक्निक्स हैं जो धीरे धीरे आपकी टाइम के साथ डेवलप होती जाएंगी, प्रैक्टिस के साथ जो आप मेरे वीडियो देख के करोगे। अब 2 का डिवाइड किया तो क्या हुआ, 15, देन अगेन 1, फिर 2 का डिवाइड किया 7, रिमाइंडर 1, फिर 2 का डिवाइड किया 3, 1, फिर 2 का डिवाइड किया राइट 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, फिर 2 का डिवाइड किया ये 0, ये 1, राइट। तो देखिए 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, इसको अगर ऑप्शन से करना होता तो आप ऐसा लिखते 1 × 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2^7 + 1 × 2^6 लाइक दिस, 1 × 2^5 एंड सो ऑन, क्लियर है बात, नो डाउट, यस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्या क्वेश्चन है 24 देखिए, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स 1+i(n)/2+i / 3-i, आर्गुमेंट मतलब देखिए z = x+i/y हो तो आर्गुमेंट ऑफ z होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अगर हम पहले देखें तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर बनाएं तो मल्टीप्लाई में करूं तो क्या आएगा, 2 2i+i(3i)²-1/3-i, मीन्स एक तरह से 1+3i/3-i, एंड रिमेंबर a+i/b, ये कंसेप्ट जितने स्ट्रांग होंगे उतना क्वेश्चन क्विकली कर पाएंगे, तो a² + b² तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1+3i(3+i), रैशनलाइज कर रहे हैं 9+1,
राइट, ये कितना हो जाएगा 3, 9 आयोटा प्लस आयोटा, 10 आयोटा माइनस ऑफ 3 बाय 10, ये कैंसिल, तो केवल आयोटा, तो अगर आयोटा आया है तो याद रखिएगा पाई बाई 2। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्योरली रियल नंबर का आर्गुमेंट, कुछ चीज़ें याद ही रख लें आप, हमेशा जीरो, प्योरली रियल नेगेटिव नंबर का आर्गुमेंट हमेशा पाई, प्योरली इमेजिनरी नंबर का आर्गुमेंट पाई बाई 2, प्योरली नेगेटिव रियल इमेजिनरी नंबर का, प्योरली इमेजिनरी नंबर का पाई बाई 2, प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव नंबर्स का आर्गुमेंट ऑफ जेड इज माइनस पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, राइट। यस, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट, देखिए ए दिया हुआ है, आप देखें हम तो 0 0 0 डायगोनल एलिमेंट 1 माइनस 1 माइनस 2 2, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखते ही आप बोल सकते हैं द मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ओनली वन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 26 पे, कंसीडर टू मैट्रिसेस, ए दिया हुआ है 1 2 1 2 1 1 एंड बी दिया हुआ है 1 2 माइनस 4 2 1 माइनस 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बी इज राइट इनवर्स ऑफ ए, अब देखिए इनमें इनवर्स निकलेगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बी इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, बी इज बोथ साइड इनवर्स ऑफ ए, तो नन ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर, राइट। देन क्वेश्चन नंबर आप देखिए 27, वन ऑफ द रूट्स, क्वेश्चन 27 देखिए कितना क्विकली कर सकते हैं, एक्स प्लस ए ए बी एक्स प्लस बी, ये क्वेश्चन लिखने का अगर मैं बोर्ड पे टाइम हटा दूं तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन मुश्किल से, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10-20 सेकंड में सॉल्व हो जाए, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक कॉमन फैक्टर आएगा इनटू डिटर्मिनेंट, दिस इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसका एक रूट ये है, एक रूट जीरो भी होगा रख दो तो कॉलम सेम हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर इज सी। देन क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन द प्रोडक्ट ऑफ ए ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू एन, देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू ए कर सकते हैं, तो ये जब ही हो सकता है जब एम इक्वल टू एन हो, एम इक्वल टू एन हो, क्योंकि ऑर्डर सेम होना जरूरी है, जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा, अगर ये भी इनटू में ए कर रहे हैं तो ये दोनों सेम होना चाहिए, इसका मतलब एम इक्वल टू एन, सीधा मैट्रिक्स प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 30 देखें, इफ टू एडजेसेंट रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज इन पोजिशन देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम, रिमेन द सेम, चेंज इट साइन, चेंज इज साइन, मतलब वैल्यू सेम होती है केवल साइन चेंज हो जाता है, तो सी इज अ राइट आंसर, राइट, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है, नेक्स्ट 31 से 33 सेट 3 का क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन 13 में भी थे पेपर में, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इज व्हाट फाउंड दैट 15, देखिए 25 स्टूडेंट्स हैं, अब क्या क्या बोला है वो हम रीड करते हुए चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेक मैथमेटिक्स, 15 जो हैं हैड टेक मैथमेटिक्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स, ठीक है, एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, मतलब ये 15, 12, 11, 5 मैथ्स एंड बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, अगर ध्यान दें मैथ्स एंड केमिस्ट्री सेट का एक क्वेश्चन आता है, 9 टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड 4 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड 3 ऑल द 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री। सबसे पहले इसको आप वेन डायग्राम से करो, सबसे इजीएस्ट तरीका होता है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सबसे पहले 3 कॉमन वाले आएंगे तो 3, देन मैथ्स, इसके बाद देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टोटल 4 है तो ये 4 हो गया, फिजिक्स एंड मैथ्स 9 है तो ये हो गया 6, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 5 है तो ये हो गया 2, अब देखिए ये 5 ये 4 और ये
9. अब ओनली मैथ्स वाले अगर हम देखें तो ओनली मैथ्स वाले कितने देखिए 15 है. क्वेश्चन बाद में सॉल्व करिए, पहले वेन डायग्राम बनाइए, जब भी क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो पाएगा. 9 प्लस 2 11, तो ये मिले 4. राइट, फिजिक्स पे अगर हम बात करें तो 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, तो फिजिक्स में 2 ओनली हो गया. एंड केमिस्ट्री की बात करें तो 6 में ये गए 5. अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप वो बहुत ही क्विकली बता सकते हैं. जैसे पूछा है नंबर 131 क्वेश्चन में है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली फिजिक्स, तो ओनली फिजिक्स इज 2. देखिए एकदम से आपको आंसर मिल गया ओनली फिजिक्स 2, तो ए इज अ राइट आंसर 2. फिर 32 को देखें द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन ओनली टू सब्जेक्ट, ओनली टू सब्जेक्ट की बात करें तो ओनली टू सब्जेक्ट ये होता है दिस वन एंड दिस वन, 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9 इज अ राइट आंसर. राइट, अब 33 को अगर हम देखें तो क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली वन सब्जेक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज टेकन ओनली टू सब्जेक्ट. ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली वन सब्जेक्ट इज इक्वल टू, ओनली वन सब्जेक्ट देखें तो 4, 5 एंड 2 टोटल है 11. राइट, अब अगर हम टू सब्जेक्ट उसमें बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली वन सब्जेक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज टेकन ओनली टू सब्जेक्ट. ठीक है, अब सेकंड इसमें स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट इज 4 times द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट, एटलीस्ट टू सब्जेक्ट मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट वाले अगर हम देखें तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में 2 और 3 दोनों आ जाएंगे, तो आप इसको ऐड करिए 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12. ये क्या 4 times है इज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट? यस, ये इसका 4 times है, 3 का 4 times, तो स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है. तो आपसे पूछा है कि विच स्टेटमेंट करेक्ट, अब स्टेटमेंट 1 को एक बार फिर समझें हम, स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया, ये कंफर्म हो गया. राइट, अब नाइदर वाला आंसर खत्म हो गया. अब हमें स्टेट देखिए, या तो आंसर होगा इसमें लिखा है 1 only 2 only बोथ 1 and 2, तो अब ये कंफर्म होगा कि ए नहीं है डी नहीं है. अब 1 को और चेक कर लीजिए, तो 1 में बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए टेकन ओनली वन सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट वाले हैं 4 प्लस 5 प्लस 2 9 प्लस 2 11 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टेकन हु हैड टेकन ओनली टू सब्जेक्ट, तो ओनली टू सब्जेक्ट वाले हैं 1 प्लस 2 प्लस 6 नहीं है, इसका मतलब ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्या है, गिवन दैट सी एन कॉमा आर सज बाय सी एन कॉमा, आप लोग कोशिश करा करिए क्वेश्चन ना लिखें, मुझे समझाना इसलिए लिख रहा हूँ, 1:2 एंड सी एन कॉमा आर प्लस 1 बाय सी एन कॉमा आर प्लस 2 इक्वल टू 2:3. आपको पूछा, आप 3 क्वेश्चन रिलेटेड हैं इससे, वो देखते हैं हम पहले, उसके पहले हम समझें क्या दिया हुआ. देखिए एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू 1/2 गिवन है, एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर प्लस 2 इक्वल टू 2:3 गिवन. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 होता है एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. राइट, अब आप इसको ऐसा लिख लें चाहें तो एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर इक्वल टू 2, देन दिस इज एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, इसे पूरा आर बोलिए आप, तो आर प्लस 1 इक्वल टू 2/1. एंड सिमिलरली इसको भी ऐसे चेंज कर लीजिए, तो एन सी आर प्लस 2 अपॉन एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू 3/2. राइट, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एन माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 मिलेगा, एन माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 इक्वल टू 2, या एन माइनस आर इक्वल टू 2r प्लस 2, या n माइनस 2 इक्वल टू 3r, ये रिजल्ट काम आने वाला है. ऐसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, n माइनस r प्लस 1 r मतलब ये अपॉन r प्लस 2 इक्वल टू 3/2. तो फाइनली देखें तो क्या आएगा, 2n माइनस, अब देखिए यहां पर माइनस 1 मिलेगा, 2n माइनस 2r माइनस ऑफ 2, क्योंकि ये माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन इक्वल टू ऐसा हो जाएगा 3r प्लस 6, या ऐसा भी बोल सकते हैं 2n
माइनस 8 इक्वल टू 5 आर, राइट? 2n माइनस 8 इक्वल टू 5 आर. अब जब भी जो पूछा जाए उसके हिसाब से बता सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे n इक्वल टू 3r प्लस 2 है, यहां पर n 2n इक्वल टू आ गया 5 आर प्लस 8. n की वैल्यू डाल दीजिए तो 2 इंटू 3r प्लस 2 इक्वल टू 5 आर प्लस 8, देन 6 आर प्लस 4 इक्वल टू 5 आर प्लस 8, देन r इक्वल टू 4. r का वैल्यू 4 यहां पे पुट किया तो n आ गया 12 प्लस 4 14. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. जैसे क्वेश्चन देखिए, नंबर वन है व्हाट इज n इक्वल, तो n हो गया 14. n व्हाट इज n इक्वल, तो n हो गया 14. फिर है व्हाट इज r इक्वल, तो r कितना हो गया 4. देखिए आपने सॉल्व कर लिया तो आप बता पा रहे हैं. एंड व्हाट इज npr बाय ncr. अगर npr बाय ncr कभी भी बोला हो तो इसके आप पहले फॉर्मूले यूज कर लें, तो ये केवल होगा फैक्टोरियल ऑफ r मीन्स फैक्टोरियल 4 मीन्स 24. तो आपने क्वेश्चंस को बहुत क्विकली सॉल्व कर लिया, राइट? 37, 38, 39 क्वेश्चन थे. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे. देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है. क्वेश्चन नंबर 40 इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 गिवन बाय. अब याद रखिएगा यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर लिखें, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट मत लीजिएगा, टेन स्क्वायर पाई बाई 6, देन एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 6.